प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस को बदलने की बारे में सोचा जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक काम है कि वो ऑटो चलाता है। ऑटो में अपना सामान लेकर रोज ही जा रहा है आ रहा है, सड़क के किनारे खड़ जाता है, लोग आते हैं सामान खरीदते हैं चले जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं उसको हटा देते हैं, इधर हो जा उधर हो जा, उधर हो जाता है इधर हो जाता है। वो फिर सामान लेके 1 घंटे का सफर करके जीटी रोड से फिर घर आता है, फिर अगले दिन फिर जाता है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक घर आता है। और उसके दिमाग में कस्टमर्स चल रही है, रोज ही चलती रहती है कि वो अपने काम को बदले बदले बदले। हालांकि उसकी दुकान भी है, अपनी दुकान भी कर सकता है, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहा कि कैसे मैं अपनी दुकान खोलूं ना खोलूं। उसको रोज रोज का ये अच्छा लगता है जब थोड़ी थोड़ी दिहाड़ी बन जाती है, जाता हूँ आता हूँ जाता हूँ आता हूँ, और उसके मन में कस्टमर कशमकश ही जाग रही है कि वो कैसे अपना काम बदले। एक दिन क्या होता है कि वो जो मेरा दोस्त था उसका टेम्पू है जो वो बिक जाता है, कोई कस्टमर आ जाता है उसके टेम्पू की अच्छी कीमत देता है और वो बिक जाता है। अब वो उसके पास जाने आने का कोई साधन नहीं है, वो इस कशमकश में वो हो रहा है कि मैं अपनी दुकान खोलूँ कि एक नया टेम्पू लेके फिर से वही काम करूँ। वो अपने काम को बदलना भी चाहता है और ये भी इस चीज से डरता भी है कि मैं अपने काम को बदलूंगा, कि हम चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। इस वक्त उसको ये सोचना चाहिए कि उसको परमात्मा में विश्वास करके अपने दुकान में बैठ जाना चाहिए, ये इज्जत वाला काम है। आराम से बैठे धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू होंगे, पहले पहले कमाई होगी फिर ज्यादा होगी, ऐसे ही उसको सोचना चाहिए और उसको इस नए पथ पे बढ़ जाना चाहिए। ये मेरी इसकी बेस्ट विशेष है। थैंक यू।